मैं हूँ तलहा, आप देख रहे हैं पापा जी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस। ये सब आपको ई कॉमर्स के एडवांटेज बताते हैं कि ऐसे कर लो पैसे कमाओगे, ऐसे कर लो तो आपका काम बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स के आज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सबसे पहले आता है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट वो चीज़ है जैसे कि जब हम चाइना से कुछ मंगाते हैं या किसी और कंट्री से कुछ मंगाते और सेल आउट करेंगे ई कॉमर्स में, अपना वेबसाइट बनाकर या अमेज़ॉन में या शॉपिफाई में या कहीं पर भी, तो उसके लिए ये होगा कि शिपिंग कॉस्ट लगेगी। क्योंकि शिप में आएगा तो शिपिंग कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है ई कॉमर्स का वो होता है शिपिंग कॉस्ट। इसी तरीके से फिर दूसरा मसला ये आता है कि जैसे कि अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ, ई कॉमर्स कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। हाई कंपटीशन जिसको हम कहते हैं, हाई कंपटीशन का प्रॉब्लम भी वहाँ पर बहुत है ई कॉमर्स की दुनिया में, जिसके बारे में हमें कोई मशवरा नहीं देता कि कंपटीशन बहुत है या नहीं है। सब कहते हैं कि बस कर लो और पैसा ही पैसा होगा। कंपटीशन बहुत होता है, हाई कंपटीशन होता है। तीसरे नंबर पर फिर प्रॉब्लम आता है, वो क्या प्रॉब्लम आता है, फिर आता है टैक्स इशू। आपने टैक्स कैसे पे करना है, फिर आपको टैक्स के मैसेज आते हैं FBR से, इधर उधर से, गवर्नमेंट की इदारों से आते हैं कि भाई आपके बैंक में इतने पैसे आ रहे जा रहे, क्या वजह है। ये सब टैक्स का इशू बहुत होता है और टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, टैक्स देना पड़ता है। फिर इस तरह से टैक्स का मसला भी एक हेवी मसला है। इसी तरह से अभी आप कुछ ना कुछ तो सेल करते होंगे, तो फिर एक मसला आता है इम्पेशेंट कस्टमर। जो बंदा ख़रीदना चाह रहा है आपका प्रोडक्ट, जैसे कि ये पेन है, ये कोई ख़रीदना चाह रहा है, लेकिन वो सवाल बहुत कर रहा है कि उसके दिमाग में बहुत सवाल आ रहे हैं कि ये प्लास्टिक का है, लोहे का है, इसमें क्या मसला हो सकता है, ये आप ही क्यों बेच रहे हो, कहीं और से कितने का मिलेगा, इस तरह के वो सवाल करेगा, ठीक है। ये होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, वो उसको डर लग रहा होता है कि मैं ख़रीदूँगा कहीं मेरे पैसे बर्बाद नहीं हो जाए, कहीं मैं ख़रीद लूँ मेरा टाइम बर्बाद नहीं हो जाए, इंतज़ार करूँ प्रोडक्ट के आने का और प्रोडक्ट बेकार निकले, इसलिए उसको कहते हैं इम्पेशेंट कस्टमर। जो सबसे कॉमन मसला आता है ना, फिर वो मसला आता है लेट डिलीवरी का। डिलीवरी अगर लेट हो जाती है, फिर वो कॉल पे कॉल करता है कस्टमर के, मैंने फलाना चीज़ ऑर्डर किया था और आया नहीं, क्या वजह है, ये हो गया वो हो गया, आपकी सर्विस ऐसी है। अगर आप किसी कंपनी के साथ करो तो फिर ई कॉमर्स का जो काम है वो कुछ इस तरह से होता है, सारा का सारा इंटरनेट पे डिपेंड करता है। तो उसमें ये फॉल्ट है कि साइट क्रैश, ये एक चीज़ है, ये साइट क्रैश, इसको साइट क्रैश कहते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। साइट क्रैश है ना, फर्ज करो आपकी वेबसाइट के अंदर कोई मसला आ गया, तो इसको कहते हैं साइट क्रैश। और फिर उस वो वाला मसला आया कि भाई एक भी व्यूअर नहीं आ रहा, एक भी क्या नाम है ख़रीदार नहीं आ रहा आपका प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं साइट क्रैश। ये भी बड़ा मसला है, ये मसला है तो आपका काम ही नहीं है, मतलब आपका एक और फॉल्ट है। सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जैसा कि आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका एम्प्लॉय भी आएगा तो वो लैपटॉप वगैरह पर इस्तेमाल करेगा। फर्ज करो किसी दिन इंटरनेट नहीं चला, कि भाई कोई इंटरनेट में आपके मसला आ गया, आपके राउटर में मसला आ गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। पूरा दिन काम आपका स्टॉप रहता है, रुका रहता है, एम्प्लॉय भी बैठे हुए होते हैं, आपका काम भी रुका। ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, मतलब जैसे कि अभी लैपटॉप है, अभी कितने महंगे हो गए लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह, ये सब महंगा हुआ है, इंटरनेट महंगा हुआ है और राउटर का सामान सब कुछ महंगा हुआ है, ठीक है। ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, अबे आपका बिजली का बिल भी आएगा, फिर आपका इंटरनेट का बिल भी आएगा, फिर आपको एम्प्लॉय वगैरह भी रखने पड़ेंगे, और भी टेक्निकल चीज़ें वगैरह होती है जो ज़रूरी होती है, और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट। आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉस्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपने गलत लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट के बारे में, या ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो कैची हो, जो दिमाग को भी पसंद आए कि ये क्या कर सकते हैं, इंसान के दिमाग को ना, जो बायर आएगा उसके पास भी नफ्सियात है, उसकी नफ्सियात को कैच करना चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन ने, और कीवर्ड भी होने चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिखे हुए, इस तरह से होने चाहिए। तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आपका प्रोडक्ट ऊपर ही नहीं आएगा,
वो भी एक प्रॉब्लम। लेवल हाई लेबर कॉस्ट, अभी जब आप जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो आप उसको क्या नाम है, एक लेबर रखोगे, एक नहीं रखोगे बहुत सारे रखोगे के पैक करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। फिर वो उनको पैक करेंगे, फिर वो एड्रेस लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे उसमें एक कॉस्ट लेबर लगती है, उस लेबर की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इससे एक प्रॉब्लम और आती है, इनएबिलिटी टू टच प्रोडक्ट। अभी जैसे कि आपके शो आपकी आपके पेज में बहुत सारे लोग आते हैं, 1,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन उसमें से खरीदते 10-12 लोग या 20 लोग खरीदते हैं। क्यों भाई, सारे क्यों नहीं खरीद रहे? ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।